उत्तराखंड में भारी बारिश आफत बन गई है। आपको बता दें, राज्य के पहाड़ी इलाकों में तो भूस्खलन से यात्रा और ज्यादा खतरनाक हो गई है और यात्री बेहद परेशान हैं। मलबा आने के कारण कई सड़कें तो बंद हो गई हैं। वहीं 2-3 दिन पहले ही पिथौरागढ़ के होकरा में हुए सड़क हादसे में एक प्रेमी जोड़ा मारा गया था और आज फिर एक और हादसा उत्तराखंड में हो गया। जी हाँ, चमोली जिले से ये खबर सामने आई है। यहाँ नंदानगर विकास खंड में यह हादसा हुआ। नंदानगर सीतेल मोटर मार्ग पर एक पिकअप वाहन नंदाकिनी नदी में जा गिरा। थाना नंदानगर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार पिकअप वाहन रोड से 100 मीटर नीचे नंदाकिनी नदी में जा गिरा। पिकअप वाहन में मौजूद चालक पवन पुत्र जगतार सिंह निवासी पिरूमदारा नैनीताल पहले घायल हुआ, लेकिन जब चालक को CHC नंदानगर लाया गया तो चिकित्सकों द्वारा महज 24 साल के पवन को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उसके घर में परिजनों का हाल बेहाल हो गया। दरअसल आपको बता दें, प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिन उत्तराखंड में लगातार बारिश होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं चमोली की बात करें तो यहां पर बारिश से गोपेश्वर नगर में पार्किंग में खड़े वाहनों के ऊपर मलबा आने से 3 वाहन मलबे में दब गए। वहीं भारी बारिश से बिरही निजमुला मोटर मार्ग काली पहाड़ी के पास अवरुद्ध है। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने के कारण वाहनों की आवाजाही रुक गई है और यात्री वहीं पर परेशान हैं। वहीं निजमुला घाटी के करीब 17 गांवों की आवाजाही इस मार्ग के बंद होने से ठप पड़ गई है। कुल मिलाकर चमोली जिले में हालात बेहद खराब हैं, तो प्रशासन ने भी सावधानी से आवाजाही करने की अपील की है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें 29 या 30 को या 1 को भी, तो उसमें भी एक्टिविटी इसी तरह की रहेगी। थोड़ी बहुत कमी हो सकती है 19-20, अदरवाइज जो एक्टिविटी है ठीक ठाक एक्टिविटी अभी मुझे लगता है कि करीब ये 4 से 5 तारीख तक जो है वो रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं अभी आप धीरे धीरे देखेंगे गाढ़ गदेरों में पानी बढ़ेगा या इसी तरह जो है जो लैंडस्लाइड वगैरह कहीं कहीं पर रोड ऑलरेडी बंद होने शुरू हो रही है, तो वो चीज़ें और भी थोड़ी बढ़ेंगी आगे आने वाले टाइम में। परंतु ये कि जो प्रशासन है वो लोग मुस्तैद है, लगा हुआ रोड को ठीक कर रहे हैं साथ साथ में। तो यही है कि जो आवागमन कर रहे हैं वो लोग एकदम जल्दी न मचाएं, धैर्य रखें, और जब एक्टिविटी कहीं पे इस तरह की है कि जो तेज़ एक्टिविटी हो रही रेन थंडरस्टॉर्म की, तो उस समय थोड़ी देर आपको रुकना चाहिए, गाढ़ गदेरों से दूर रहें, उसमें पानी बढ़ेगा, तो इस तरह की सावधानी लेके चलेंगे तो शायद आप दिक्कत से बचे रहेंगे।